देखिए, अभिनेता से इतर आपकी एक अलग अपनी पहचान भी है। जैसे कि समाज सेवा की बात आप करते हैं और समाज सेवा करते भी हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? एक सवाल ये भी है, और एक दूसरा, आपको हम पॉलिटिकल उसमें भी आपके व्यूज देखते हैं, मजबूती से आप कहते हैं, तो दूसरा सवाल मैं बाद में करूंगा, पहले आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है जो समाज सेवा की है? मुझे लगता है कि इसका पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक माँ को निरंतर सेवा करते हुए देखा। कैंसर पीड़ित लोग जो अपने अंतिम जो उनके क्षण होते हैं, उनके दिन होते हैं, वो अकेले ना बिताएं। कई लोग होते हैं जो इतने अकेले पड़ जाते हैं, बीमारी भी ऐसी है, कई महीनों तक कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, फैमिली वाले भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए पर्सनल सेवा करना, जाना उनके साथ अस्पताल में समय बिताना, उनका दुख दर्द बांटना, उनके लिए घर से कुछ खाना बना के ले जाना, उनके लिए उनकी मनपसंद चीजों को उनको खिलाना, कोई किताब पढ़ के सुनाना, कोई अच्छी सी छोटी छोटी चीजें उनके लिए करना, ये चीजों को देखा मैंने माँ को 30-35 साल करते हुए, कई हजारों पेशेंट्स की निरंतर सेवा। हम स्कूल निकलते थे, वो अपने अस्पताल निकलते थे। तो वो जो चॉइस उन्होंने ली कि लोगों का दुख कम करना, उनका दर्द बांटना, उन्हें उनके आखिरी क्षणों में थोड़ी सी जॉय देना, थोड़ा सा प्यार देना, थोड़ा सी खुशी हो, मुस्कुराहट हो, वो मुझे बहुत बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ा मुझ पर। और मुझे याद है कि जब मैंने पहली पिक्चर की कमाई मेरी जब मुझे मिली थी, तो मैं माँ के लिए कुछ खरीदना चाह रहा था। मैंने कहा, क्या खरीदूं आपके लिए, गहने लूं या कोई महंगी सी चीज खरीदूं आपके लिए? तो उन्होंने मुझे मुस्कुराकर सर पर हाथ फिरा कर कहा कि तुमने मुझे पूछ लिया, यही बहुत बड़ी बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ ऐसा काम कर इस पैसों से, इन पैसों से कुछ ऐसा काम कर जिससे अच्छे कर्मों की कमाई बढ़े, कुछ ऐसा काम कर जिससे आंसुओं पोंछकर मुस्कुराहटों तक पहुंचा पाए। तो ये चीजें जो मुझे इतनी इन्फ्लुएंस कर गई, मेरी पहली पिक्चर की कमाई, कंपनी की कमाई, एक छोटी सी बच्ची थी जिसके दिल में सुराख था, छेद था, और वो सर्जरी कर नहीं पा रहे थे, बहुत गरीब तबके की फैमिली थी, वॉचमैन की फैमिली थी। तो उस छोटी सी बच्ची को अपनाना, अपनी पूरी पहली फिल्म की पूरी कमाई उसकी सर्जरी में और उसके पोस्ट सर्जिकल केयर में लगाकर जब वो बाहर निकली, मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी सेटिस्फेक्शन मिली उस बात से। मिले सिर्फ 3 लाख, और 3 लाख में से कुछ 2.80 2.90 उसमें खर्चा हो गया। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आज वो जो 10-11 साल की छोटी सी बच्ची थी, वो एक लेडी है, उसके खुद के 2 बच्चे हैं, पूरी जिंदगी जी रही है और खुशी है। और अभी भी राखी के दिन उसकी एक राखी आ जाती है, प्यार है, प्रेयर्स हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है, इससे बड़ा डिविडेंड, इससे बड़ा इंटरेस्ट मेरे लिए कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं है जितना इस इन्वेस्टमेंट में।